नमस्ते दोस्तों टी आर एस क्लिप्स हिंदी में आपका स्वागत है सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकॉन दबाइए एंड एंजॉय द क्लिप आपको अपनी करियर की पहली वर्क अपॉर्चुनिटी कितने उम्र में मिली थी आपकी एज क्या थी तब mm, मुझे लगता है मैं थी आई uh, वाज 13 एंड अ हाफ एक्चुअली टू बी प्रसाइज अ वियर्ड डिटेल बट या 13 एंड अ या और वो डेस्टिनी का खेल है कि यू you नो know, ये सवाल मैं पूछती रहती हूँ जिस जिससे भी मैं मिलती हूँ जो कुछ जो हमारे फील्ड के हैं कुछ जो कुछ और करते हैं कि कितना डेस्टिनी है और कितना अपना इस इस दुनिया में हमारा हाथ क्या है और डेस्टिनी का हाथ क्या है mm. uh, पर इस कुछ वक्त में यू नो आई आई बिन आई हैव हैड माई एक्सपीरियंस ऑफ बींग द ईशा योगा सेंटर

आप उस अपॉर्चुनिटीज का क्या करते हो hmm. और आप अपने जिंदगी को किस नजरिए से देखते हो आई थिंक वो नजरिया ही आपको बनाता है तो अब आप अपने जिंदगी को किस नजरिए से देख रहे हैं कि मुझे uh, मुझे ना अपना बेस्ट वर्जन देखना है प्रोफेशनली इन एवरी वे नॉट जस्ट प्रोफेशनली बिकॉज आई थिंक मैंने uh, आज तक अपने प्रोफेशन को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी और आज भी देती हूँ इसमें कोई दूसरी बात नहीं है Uh, पर मैं मुझे लगता है कि अगर मुझे अपने प्रोफेशन को ही आगे बढ़ाना है मुझे एज अ ह्यूमन बींग इवॉल्व करना पड़ेगा अगर वो इवॉल्व नहीं होता तो वो कभी भी मेरे कैरेक्टर्स में ट्रांसलेट नहीं होगा hmm. क्योंकि मैं इतने अंडरस्टैंडिंग से अगर सारे कैरेक्टर्स प्ले करती हूँ तो वही अंडरस्टैंडिंग से उतना ही डेप्थ हो सकता है इट कान गेट डीपर तो अगर मुझे अपने कैरेक्टर्स में कुछ डेप्थ लाना है आई हैव टू चेंज आई हैव टू इवॉल्व मेरे लाइफ में हाल ही में दो बहुत uh... पर्सपेक्टिव बिल्डिंग और पर्सपेक्टिव शिफ्टिंग मोमेंट्स हुए पहला मोमेंट था कि चार महीने पहले मैं ईशा फाउंडेशन के यहाँ महाशिवरात्रि oh, ईशा फाउंडेशन जाता हूँ बिल्कुल बहुत अजीब चीजें होती है वहां की दस लोग अलग से मिलकर मुझे वही चीज बताते फिर मुझे पता चलता की हाँ शायद ये ट्रिप के पीछे लेसन शायद ये था एंड उस लेसन को मैं अप्लाई करता हूँ फिर फिर मेरी पूरी लाइफ बदल जाती है मुझे पीस मिलता तो ये पहला इंस्टेंस आ, है और दूसरा इंस्टेंस एक हमारा रिसेंटली एक पॉडकास्ट हुआ था तो, ओम धुमटकर के साथ वो एक कल्चरल एक्सपर्ट है जी उन्होंने द वर्ड ओम के बारे में बताया जिसके बारे में मैं बाद में समझाऊंगा पर पहले मैं ये ईशा फाउंडेशन के बारे में बात करना चाहूंगा तो इस बार जो लेसन मैंने सीखा वो था कि बेसिकली हर किसी के लाइफ में इवेंचुअली जब आप बूढ़े हो जाते हो जब आप मौत के करीब आ जाते हो तब डेफिनेटली आपके जो भी मटीरियल डिजायर्स हैं मटीरियल गोल्स होते हैं वो आप पीछे छोड़ देते हो और आप स्पिरिचुअल चीज़ों के बारे में सोचने लगते हो इसलिए मोस्टली जो लोग बूढ़े होते हैं वो कीर्तन अटेंड करने लगते हैं स्परिचुअल सेरेमनीज़ के लिए जाते हैं मेडिटेशन करने लगते हैं एक नेचुरल प्रोग्रेशन होती है बहुत सारे ह्यूमन बींग्स के लिए एटलीस्ट भारत में तो सदगुरु कहते हैं कि जिन चीज़ों को हम अपनी खुद की पर्सनैलिटी बुलाते हैं वो एक्चुअली सिर्फ कॉन्सेप्ट है एक्चुअली हमारी पर्सनैलिटी नहीं है हम कहते हैं कि हम एक्सट्रोवर्टेड है हम इंट्रोवर्टेड है हम मॉर्निंग पर्सन है हम नाइट पर्सन है ये अच्छा लगता है ये बुरा लगता है हम कंपेटेटिव हैं हम जो भी लाइक like, आर्टिस्ट है ये सब कॉन्सेप्ट है क्योंकि इन दी एंड जो आपके अंदर है वो हमारे अंदर है वो इनके अंदर है वो सबके अंदर है इट्स अबाउट कनेक्टिंग विद द हायर पावर इसलिए लोग मेडिटेशन करते हैं लोग मोक्ष के बारे में बातें करते हैं एनलाइटनमेंट के बारे में बातें करते हैं बट एट द एंड ऑफ द डे मैंने ये भी देखा है कि ओवर टाइम मेडिटेशन की वजह से मेरी खुद की पर्सनैलिटी भी म्यूटेड हो रही है और उस म्यूटिंग की वजह से उस शांति की वजह से मुझे लाइफ में बहुत ज्यादा जॉय मिल रहा है खुशी मिल रही है आई फील मैं हर साल उस हायर पावर की ओर एक कदम बढ़ा रहा हूँ आई एम श्योर योर ऑन द सेम जर्नी आपको ये फील हुआ है कि जो आपने कहा ना कि जब आप 18 इयर्स के थे तब आप अलग थे अब अलग हो जी आई एम श्योर कि अभी इवन दो जो आपने कहा कि आप तभी ज्यादा भोले थे या

मतलब सो इट्स अ इट्स अ वे ऑफ फीलिंग इट्स द काइंड ऑफ इट्स अ काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ फीलिंग इट्स नॉट एग्जैक्टली समथिंग यू कैन डू यानी कि दिन भर uh, आप एक मेडिटेटिव स्टेट में रहते हो नहीं बैसे. नहीं ऐसा कुछ नहीं फिर क्या क्वालिटी मतलब या इट्स इट्स अ इट्स द द द क्वालिटी Uh, हम ही नहीं बट ऐसे बहुत से लोग हैं जो इसे शब्द में शायद कभी बयान नहीं कर पाए क्योंकि इसको शब्द में आप बयान नहीं कर सकते पर मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि जो जो मैंने ईशा फाउंडेशन पे इनर इंजीनियरिंग कोर्स किया उसमें मुझे बहुत ही ये बात इंटरेस्टिंग लगी कि उनका जो फॉर्मेट है जो सदगुरु जी खुद बनाते हैं इज़ दैट दे गिव यू एन एक्सपीरियंस दे गिव यू अ डिस्कॉस एंड दे गिव यू द टू लर्न आई थिंक इन तीन चीज़ का जो कॉम्बिनेशन वो बना के आपको देते हैं वो आ, इट इज़ समथिंग दैट यूर इनिशिएटेड विथ यानी हमारे हमारे जनरेशन में स्पेशली देर इज नो फिज़िकल वेलबींग मेंटल वेलबींग के बारे में बहुत सी लोग बातें करते हैं बट जो एक एनर्जी आपके जो एनर्जी सेंटर्स uh, हैं और आपका जो एनर्जी सिस्टम है उसके बारे में बहुत कम एजुकेशन है और बहुत कम अवेयरनेस है तो जब आप ईशा फाउंडेशन ऐसी कोई जगह पे जाते हैं तो यू यू एक्सपीरियंस और पता है बहुत सारे लोग इन चीजों को डिसमिस कर देते हैं कि क्या एनर्जी मतलब एक बार एक बार एक कोई को तो you know like हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि it's been, क्योंकि इसको आप जितना भी व, आप इसको जितना वर्बलाइज करें वो इतना उतना धुंधला होते चले जाता है तो आई फील लाइक डेफिनेटली मैं ये कहूँगी कि रिसेंटली मैंने मुझे भी ये करके कुछ दो महीने हुए हैं एंड वन एंड हाफ मंथ सॉरी नॉट इवन टू मंथ्स वन एंड हाफ मंथ्स हुए हैं और मुझे बहुत फ़र्क महसूस हो रहा है फिजियोलॉजिकली um, और इमोशनली लाइक आई थिंक मुझ में न एक अजीब किस्म का uh, वरी वरी अबाउट आई डोंट नो वॉट लाइक जस्ट अ स्टेट ऑफ वरी अगर यू you नो know, किसी का फ़ोन नहीं लगा तो वरी अगर कहीं जाना है उधर पहुँच नहीं पाए ट्रैफिक में अटके तो वरी कुछ काम नहीं हो रहा तो वरी ये एक 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 नेचर सा बन चुका था मेरे लिए पर ये शाम्बवी महामुद्रा शुरू करने के बाद इसमें इनिशिएट होने के बाद आई फील लाइक ये अजीब सा वरी एकदम से ड्रॉप हो चुका लाइक मुझे लाइक माई मॉम इज लाइक योर योर एक्सट्रीमली काम ऑल ओवर एंड एंड आई एम लाइक एंड आई वॉज कंसिडर्ड समेरी हाई पो सो माई मॉम्स लाइक वाई यू यू बिकम काम सो आई फील लाइक येस देर इज़ एन इमीडिएट शिफ्ट और ये जब होता है मोस्टली लोगों के लाइफ में इमीडिएट शिफ्ट जैसा ही होता है टी clips Hindi क्लिप्स हिंदी के इस क्लिप देखने के लिए थैंक यू दोस्तों लव टू यू ऑल नीचे हमने लिंक किया है इस पूरे के पूरे पॉडकास्ट को यानी पूरे एपिसोड को उसके नीचे हमने लिंक किया है एक ऐसी प्लेलिस्ट को जिसे देखकर आपको बहुत मजा आएगा